पुर्तगाल में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर में ऑजरेस द्वीप समूह में दुनिया की सबसे भारी हड्डी वाली मछली की खोज की है। ये एक विशाल सनफिश का शव है जो कि 6000 पाउंड से भी अधिक है, जो अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी मछली है। ये सनफिश लगभग 12 फीट लंबी और लगभग 11 फीट चौड़ी थी। ये मछली मोला अलेक्जेंड्रिनी प्रजाति की है। सनफिश तीन प्रकार की होती है, ओशन सनफिश, मोला मोला जायंट सनफिश, मोला अलेक्जेंड्रिनी, और हॉर्नबिल सनफिश, मोला टेटा। लाइफ साइज के अनुसार उनका नाम उनके आकार के कारण नहीं रखा गया, बल्कि उनके उदर तट पर धूप सेकने के कारण उनका नाम सनफिश रखा गया है। ये मछलियाँ भोजन की तलाश में ठंडे समुद्र में गहरे गोता लगाने के बाद मछली खुद को गर्म करने के लिए धूप में लेटी रहती हैं। क्योंकि इनके कोई पूंछ नहीं है, सनफिश अपने ऊपर और नीचे के पंखों का उपयोग प्रतिदिन 16 मीटर तक तैरने के लिए करती हैं।